ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही गुजरात में अपना ध्यान केंद्रित किए बैठी है, तो वहीं दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर अपना कब्जा जमाने वाली आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात पर अपनी नजरें गड़ा दी है। उधर कांग्रेस भी धीमी गति से ही सही लेकिन चुनावी माहौल में मिलने की तैयारी कर रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है। साथ ही प्रदेश की हवा भी इस बार बदलाव के संकेत दे रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वे गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। वहीं शाह के बयान पर पलटवार करते हुए आप प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मैं दंग हूँ कि वह अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको बता दें, दिवाली के आसपास कभी भी देश के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गुजरात में आगामी चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। मंगलवार को प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो लोग थोड़ा आशंकित थे, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया और सफलतापूर्वक एक वर्ष पूरा कर लिया। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि गुजरात कई पहलुओं में सुशासन में नंबर एक है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य क्षेत्रों में हो। भाई भूपेंद्र पटेल ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को जारी रखा है। अमित शाह ने आगे कहा कि बीजेपी शासन में राज्य ने प्रगति देखी है क्योंकि कानून और व्यवस्था लागू है। कांग्रेस के शासन के दौरान दंगे और कर्फ्यू आम थे, विस्फोटक आम थे और इसलिए गुजरात ने कभी विकास और प्रगति नहीं देखी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं गुजरात की जनता को अच्छे से जानता हूं। सपनों के व्यापार करने वालों को यहां पर कोई सफलता नहीं मिलेगी। गुजरात आदमी को भी पहचानता है, उसके काम को भी पहचानता है। जो इंसान और उसके काम को पहचान ले वह भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। अगले चुनाव में भारी मात्रा में बीजेपी की जीत आपके नेतृत्व में होगी। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो वहीं अमित शाह के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि मैं कह रहा हूं बीजेपी पर भरोसा मत करो, वह सपने दिखाते हैं। उन्होंने बिल्कुल सच बोला, मैं दंग हूं कि वह अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पर भरोसा मत करो, जो भी आकर कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। जो कहे कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, इसलिए गुजरात में भी करूंगा, उस पर भरोसा करना, वह सही आदमी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।